Hello everyone, this class is presented to you by Diademy IAS. In this class, we will be covering chapter 2 of class 11 NCERT Modern India by Bipin Chandra. So first of all, let's have a look at the index of this book. And in total, there are 15 chapters and we have already covered chapter 1, the decline of the Mughal Empire. And today we will be covering chapter 2, Indian states and societies in the 18th century. So in the previous chapter, while we were studying how the Mughal Empire, it declined, how the Mughal Empire, it weakened and then it disintegrated in the 18th century. तो जब हम वो सारे reasons पढ़ रहे थे कि कैसे Mughal Empire वो इतना ज़्यादा weak हो गया that in the end the empire just finished. तो उसमें हमने एक रीज़न ये देखा था कि बहुत सारे जो नोबल्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या करना शुरू किया, उनको ये समझ में आ गया था कि ये जो आने वाले जो एम्परर्स हैं, जो भी रूलर्स हैं, जो भी किंग्स हैं, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, और ऊपर से वो सारे जो किंग्स थे उनका लॉ एंड ऑर्डर में कोई ध्यान नहीं था. वो जो सारे किंग्स थे उनको बस अपनी लग्जरीज में ध्यान था, उनको स्टेट्स में क्या हो रहा है, पीजेंट्स की क्या हालत है, दे वर नॉट एट ऑल कंसर्न्ड विद ऑल दीज थिंग्स. तो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नोबल्स थे, राइट, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने खुद को, जो पहले तो ये होता था ना कि जो एक एम्परर होता था जो दिल्ली में था, बाकी जो सारे स्टेट्स थे, उनके जो रूलर्स थे वो एम्परर के अंडर होते थे, उनको वो ट्रिब्यूट देते थे, राइट. बट अब वो जो रूलर्स थे जो बाकी स्टेट्स में थे, जैसे हैदराबाद में थे, मैसूर में थे, उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने खुद को अलग करना शुरू कर दिया एम्परर से. एक ओपनली उन्होंने ये नहीं बोला कि अब हम एम्परर को मानते ही नहीं है, नहीं, उन्होंने एक तरह से कि अपना जो लॉ एंड ऑर्डर था वो उन्होंने खुद बनाना शुरू कर दिया अपने उस स्टेट में, अपना थोड़ा जो कंट्रोल था वो ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया वहाँ पे. ओपनली उन्होंने ये नहीं बोला, कईयों ने ओपनली भी बोला बट ज़्यादातर ने ओपनली नहीं बोला. वो अपना जो ट्रिब्यूट बेसिकली कुछ भी जो रेवेन्यू का पार्ट या कुछ और चीज़ें वो एम्परर को भेजते थे, क्योंकि वो ऑब्वियसली उनके ऊपर थे, तो वो सब चीज़ें वो भेजते थे. बट अदरवाइज उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट बना लिया था. जैसे कि हैदराबाद में जो भी रूलर थे उन्होंने अपनी वहाँ पे कुछ ज़्यादा जैसे चीज़ें सुधारने शुरू कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना शुरू कर दिया, थोड़े कुछ नए रूल्स लेके आए रेवेन्यू कलेक्शन को लेके, तो उस तरह से उन्होंने इंडिपेंडेंट होना शुरू कर दिया. तो ऐसे ही इंडिपेंडेंट होते होते काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स के जो रूलर्स थे उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है वो बना लिए, और इस वजह से ही आगे जाके जो मुग़ल एम्पायर है उसका काफ़ी ज़्यादा जो डिसइंटीग्रेशन था, पूरी तरह से जो मुग़ल एम्पायर था वो वीक हो गया था. तो इस चैप्टर में हम वो स्टेट्स पढ़ेंगे जो 6-7 इम्पॉर्टेंट स्टेट्स थे, काफ़ी उनके रूलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम किए उन स्टेट्स के लिए. तो उन 6-7 स्टेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने क्या क्या काम किए वहाँ पे, और उसके अलावा उस टाइम पे वो जो स्टेट्स थे 18th सेंचुरी में, जो ये सारे स्टेट्स थे या बाकी जगह पे लाइफ कैसी थी, सोशली एक कैसी लाइफ थी, कल्चरली कैसी लाइफ थी, वो सारी चीज़ें भी हम इसमें पढ़ेंगे. एजुकेशन का क्या स्टेटस था उस टाइम पे, आर्ट वगैरह का क्या स्टेटस था उस टाइम पे, पोइट्री का क्या स्टेटस था, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So on the debris of the Mughal Empire and its political system arose a large number of independent and semi-independent powers such as Bengal, Awadh, Hyderabad, Mysore and the Maratha Kingdom. तो ये कुछ इंडिपेंडेंट और सेमी इंडिपेंडेंट पावर्स हैं जो एक इंडिपेंडेंट बनके वहाँ पे अराइज हुई. बंगाल हो गया, अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, मराठा किंगडम हो गए. It is these parts which challenged the British attempt at supremacy in India in the second half of the 18th century. तो हमें ये चीज़ पता है कि जैसे मुगल एम्पायर डाउन हो रहा था वैसे एक तो ये इंडिपेंडेंट जो स्टेट थे वो एक उभर के आ रहे थे, देवर ग्रोइंग, और उसके साथ साथ जो ब्रिटिश थे वो भी इंडिया में अपनी जो पावर है वो बढ़ा रहे थे. अब क्योंकि मुगल एम्पायर तो इतना स्ट्रॉन्ग रहा नहीं था तो ब्रिटिश की जो एक टक्कर थी वो किनके साथ थी, इन स्टेट्स के रूलर्स के साथ थी. आपने सुना होगा बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर, ऐसे काफी ज्यादा वॉर्स हुई थी. तो ये स्टेट्स थे जिन्होंने जो ब्रिटिश पावर थी जो अपनी पावर एजर्ट करना चाह रही थी इंडिया में, उनके साथ इन्होंने काफी ज्यादा वॉर्स जो है वो किए थे. Some arose as a result of the assertion of autonomy by governors of Mughal provinces. Other were a product of rebellion against the Mughal authority. तो जो ये independent states बने तो कुछ तो अपनी autonomy उन्होंने assert करी. बेसिकली तो वो लोग उन प्रोविंसेस में गवर्नर्स थे, उन स्टेट्स में गवर्नर थे. जैसे कोई भी हैदराबाद का गवर्नर होएगा तो उसने देखा कि जो मुगल एम्परर है, जो हमारे बड़ा राजा है, वो तो काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो मैं अपनी ऑटोनमी एजर्ट कर लेता हूँ, मैं खुद को अपना इंडिपेंडेंट बना लेता हूँ. तो कईयों ने तो ऐसे बस चुपके अपना सारा ये जो है सब कुछ अलग कर लिया. कुछ ने काफ़ी ज़्यादा वो नाराज़ होएंगे मुगल एम्परर से, उन्होंने रिबेलियन के साथ उनसे क्या हुआ, मुगल अथॉरिटी के साथ वो रिबेलियन था उनका, तो उनके अगेंस्ट जाके उन्होंने खुद को अलग किया. द रूलर्स ऑफ दीज स्टेट्स एस्टैब्लिश्ड लॉ एंड ऑर्डर, curbed local zamindars and officials who constantly fought with higher authorities for control over the surplus produce of the peasants. तो काफी ज्यादा ऐसे उन्होंने स्टेप्स उठाए. तो जैसे ये एक मैप है जिसमें अवध है, बंगाल है, हैदराबाद है, तो आप सबको मैप में ये देखना पड़ेगा कि ये जो सारी स्टेट्स हैं वो कहाँ पे है, तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा. तो ऐसे आपको ज़्यादा अच्छे से थोड़ा एक याद रहेंगी सारी चीज़ें. द पॉलिटिक्स ऑफ दीज स्टेट्स वर सेक्युलर. तो हमने ये हम सबको पता है कि औरंगजेब के टाइम पे क्या था कि बहुत ज़्यादा ये एक रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज़ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी. जैसे कि मुस्लिम्स को वो ज़्यादा फेवर करते थे, जजिया एक टैक्स लगाया गया था जो कि बहुत ज़्यादा इट वॉज वाइडली क्रिटिसाइज्ड ऑल अराउंड, क्योंकि वो एक रिलीजियस टैक्स था, वो एक नॉन, जो अगर आप मुस्लिम नहीं हो तो आपके ऊपर वो टैक्स लगता था. बट उसके बाद औरंगजेब के बाद जो सारे जो भी रूलर्स आए उन्होंने जो ये जजिया था उसको अबॉलिश किया, और उनके बाद ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने इनके भी जो रूलर्स हैं उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो भी सेक्युलर थी. कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर. नन ऑफ दीज स्टेट्स हाउएवर सक्सीडेड इन अरेस्टिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस. बट इन्होंने ये जो रूलर्स हैं इन्होंने चाहे कितने भी अच्छे काम किए, लॉ एंड ऑर्डर बनाया, काफ़ी सेक्युलर पॉलिटिक्स थी उनकी, बट एट द सेम टाइम जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ गए थे, क्योंकि जो एम्परर्स थे वो दे वर मोर इन्वॉल्व विद देयर ओन लग्जरीज. उनको कुछ स्टेट्स के फाइनेंसिस के बारे में दे वर नॉट वरिड. तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे उस टाइम पे, जो ये रूलर्स भी थे, हैदराबाद के रूलर, बंगाल के रूलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो भी इस चीज़ को कर्ब नहीं कर पाए. The condition of the peasantry continued to deteriorate. तो जो फार्मर्स थे उनकी जो कंडीशन थी वो अभी भी खराब ही चल रही थी. While these states prevented any breakdown of internal trade and even tried to promote foreign trade, they did nothing to modernize the basic industrial and commercial structure of these states. तो एक फॉरेन ट्रेड तो उन्होंने बढ़ा दी, लेकिन जो एक टेक्नोलॉजी थोड़ी मॉडर्नाइज करनी थी वो उसमें भी ये जो सारे रूलर्स थे वो पीछे रह गए. तो सबसे पहले हम अपना पहला इंडिपेंडेंट स्टेट जो है हैदराबाद एंड कर्नाटक, उसके बारे में वी विल स्टडी. सो द स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज फाउंडेड बाय निज़ाम उल मुल्क असफ जाह इन 1724. तो ये नाम जो है आपको याद रखना पड़ेगा. समटाइम्स यू जस्ट गेट अ डायरेक्ट स्टेटमेंट दैट हु फाउंडेड द स्टेट ऑफ हैदराबाद. सो इट वाज फाउंडेड बाय निज़ाम उल मुल्क असफ जाह इन 1724. ही वाज वन ऑफ द लीडिंग नोबल्स ऑफ द पोस्ट औरंगजेब एरा. ही played a leading role in overthrowing the Sayyid brothers. ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, सैयद ब्रदर्स जिनको किंग मेकर्स बोला जाता था हिस्ट्री में, उन्होंने काफी ज्यादा अपनी जो है पावर्स को एक्सर्ट करना शुरू कर दिया था, इतना ज्यादा कि जो एम्परर थे उन्होंने एम्परर को ही मार दिया था। तो उनको सैयद ब्रदर्स को फिर फाइनली ये जो निज़ामुल मुल्क असफ जाह थे, ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरथ्रोइंग द सैयद ब्रदर्स। ही नेवर ओपनली डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट बट इन प्रैक्टिस एक्टेड लाइक एन इंडिपेंडेंट रूलर। He followed a tolerant policy towards the Hindus. He also made attempts to rid the revenue system of corruption. तो corruption के लड़ने के लिए इन्होंने काफी ज्यादा steps उठाए थे. But after his death in 1748, Hyderabad fell prey to same disruptive forces as were operating at Delhi. तो ये निज़ामुल मुल्क असफ जाह ने काफी important steps, काफी अच्छे steps तो उठाए, but soon he died in 1748. तो उसके बाद हैदराबाद फिर से जो पुरानी जो चीजें चल रही थी, यू नो पीजेंट्स की खराब जो स्टेट है, वो सारी चीजें वापस आ गई थी इनकी डेथ के बाद। Next is Carnatic. Just as in practice, Nizam had become independent of Delhi. तो जैसे Nizamul Asaf Jah, तो as he became independent, so also the deputy governor of Carnatic, known as the Nawab of Carnatic, had freed himself of the control of the viceroy of Deccan and made his office hereditary. तो निज़म की तरह ये जो नवाब थे कर्नाटक के, उन्होंने भी खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया था। दस नवाब सादतुल्लाह खान ऑफ कर्नाटक हैड मेड हिज नेफ्यू दोस्त अली हिज सक्सेसर विदाउट द अप्रूवल ऑफ हिज सुपीरियर निज़म। तो ये लोग इतने इंडिपेंडेंट हो गए थे कि इन्होंने जो अपने सुपीरियर्स चूज करने होते थे उसमें भी वो किसी को अब कंसल्ट नहीं करते थे। सो नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग एजर्टिंग देयर ऑटोनॉमी। वो पूरी तरह से ऑटोनोमस हो गए थे, अपनी मन मर्जी चलाते थे इन एवरी, हर चीज में उन्होंने अपनी मर्जी चलाना शुरू कर दिया था, चाहे अपना सक्सेसर अपॉइंट करना हो। Later, after 1740, the affairs of the Carnatic deteriorated because of the repeated struggles for its nawabship, and this provided an opportunity for the European trading companies to interfere in Indian politics. तो यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि एक सक्सेशन को लेके कोई फिक्स्ड रूल था नहीं कि आगे कौन सक्सीड करेगा, तो उस वजह से काफी ज्यादा वॉर्स होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, जिसका फायदा जो ब्रिटिश है या फिर बाकी ट्रेडिंग कंपनीज थी, पोर्चुगीज थे, डच थे, फ्रेंच थे, उन्होंने इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठाया। ये सारी चीजें हम जब अलग से सारे बैटल्स पढ़ेंगे ना, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे ये जो सक्सेशन के वॉर्स होते थे वो आपस में लड़ते रहते थे। ये सब चीजों का फायदा ये जो ट्रेडिंग कंपनीज थी उन्होंने उठाया और फाइनली ऐसे ही उन्होंने खुद को सेटल किया था इंडिया में। सो हैदराबाद और कर्नाटक हो गया, एंड नाउ वी विल स्टडी बंगाल। सो टेकिंग एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग वीकनेस ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी, two men of exceptional ability, Murshid Quli Khan and Ali Wardi Khan, made Bengal virtually independent. तो यहाँ पे कौन दो लोग थे? मुर्शिद कुली खान एंड अली वर्दी खान। तो ये नाम सारे आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे हैदराबाद के निज़म थे, वहाँ पे कर्नाटक के नवाब सादतुल्ला, बंगाल के ये हैं, तो ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। Even though Murshid Quli Khan was made governor of Bengal as late as 1717, he had been its effective ruler since 1700 when he was appointed its diwan. तो मुर्शिद कुली खान को एक क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट रूलर बनने से पहले वो गवर्नर थे बंगाल के, और उससे पहले वो दीवान भी थे वहाँ के। ही सून फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम सेंट्रल कंट्रोल दो ही सेंट रेगुलर ट्रिब्यूट टू द एम्परर। तो बंगाल सेम एज निज़म जो थे हैदराबाद के, उनकी तरह बंगाल के भी जो रूलर थे वो भी अपना एक ट्रिब्यूट एम्परर को भेजते थे। मुर्शिद कुली खान डाइड इन 1727 एंड हिज सन इन लॉ शुजाउद्दीन रूल्ड बंगाल till 1739. तो पहले मुर्शिद कुली खान थे, उनकी डेथ हो गई, तो कौन आया पावर में? उनके सन इन लॉ शुजाउद्दीन। In that year, Ali Wardi Khan deposed and killed Shujauddin's son Sarfaraz Khan and made himself the Nawab. फिर ये वही वॉर ऑफ सक्सेशन जैसे होते थे, तो शुजाउद्दीन के जो सन थे सरफराज खान, उनको अली वर्दी खान ने ही किल्ड हिम एंड मेड हिमसेल्फ द नवाब. तो अब नवाब कौन बन गए? अली वर्दी खान. The three Nawabs gave Bengal a long period of peace and orderly administration and promoted its trade and industry. तो ये जो सारे नवाब थे, अली वर्दी खान, मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन, इन सब ने काफ़ी ज़्यादा पीस जो है वो बनाया बंगाल में. मुर्शिद कुली खान recognized the finances of Bengal by transferring large part of जागीर lands into खलीसा lands. तो जागीर lands हमने बोला था कि ये जो थर्ड पार्टी होती है, रेवेन्यू फार्म, फिर जो नोबल्स होते थे उनको दिए जाते थे ये जागीर दिए जाते थे उनको. पर ये जो खलीसा लैंड्स होते थे उनसे जो रेवेन्यू आती थी ना, वो डायरेक्टली सेंट्रल अथॉरिटी के पास जाती थी. तो इन्होंने जागीर लैंड्स को, जो कि ऐसे नोबल्स को दिए जाते थे, उनको किस में कन्वर्ट कर दिया था? खलीसा लैंड्स को, ताकि जो रेवेन्यू है वो सेंट्रल अथॉरिटी के पास और आए. बाय कैरिंग आउट अ फ्रेश रेवेन्यू सेटलमेंट एंड बाय इंट्रोड्यूसिंग द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग. He also granted agricultural loans, जिनको क्या कहते हैं, तकवी, to the poor cultivators to relieve their distress as well as to enable them to pay land revenue in time. So let me just tell you one thing here, एक direct question आया हुआ है यूपीएससी में कि तकवी क्या होता है. तो एनसीईआरटी में ऐसे आपके ये वर्ड यूज किया हुआ है, एग्रीकल्चर लोन्स, एंड ब्रैकेट में देयर इज मेंशन्ड तकवी. सो अ डायरेक्ट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम. तो ये चीज़ जब भी आप एनसीईआरटीज़ पढ़ोगे, ये लेक्चर सुनने के बाद पढ़ो, या फिर अगर आप पढ़ चुके हो, तो ये जो एक टर्म्स लिखी होती है इनको ध्यान में रखो. कई बार बिल्कुल डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है. तो तकवी क्या होता है? एग्रीकल्चर लोन्स. तो इन्होंने लोन्स भी प्रोवाइड किए फार्मर्स को. But the system of revenue farming led to increased economic pressure on the peasants. जैसे हमने पहले पढ़ा था रेवेन्यू फार्मिंग वाला सारा सिस्टम, तो उसमें क्या इकोनॉमिक जो प्रेशर था, पूरा प्रेशर एंड में किसके ऊपर पड़ता था? पीजेंट्स के ऊपर. मोर ओवर इवन दो ही डिमांडेड ओनली द स्टैंडर्ड रेवेन्यू एंड फॉरबेड इलीगल सेसेस, ही कलेक्टेड द रेवेन्यू फ्रॉम द जमींदार्स एंड द पीजेंट्स विद अटमोस्ट क्रूएलिटी. तो हमने स्टार्टिंग में ही ये चीज़ पढ़ी थी कि चाहे कितने भी रिफॉर्म्स हुए, फिर भी पीजेंट्स की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा खराब ही रही. तो वो इसीलिए रही क्योंकि चाहे इन्होंने कितने रिफॉर्म्स किए, एंड में जब रेवेन्यू कलेक्शन होता था तो दैट रेवेन्यू कलेक्शन वाज मेड विद वेरी मच क्रूएलिटी. तो इसलिए पीजेंट्स की जो हालत है वो पूरी इस सेंचुरी में क्या थी, वो पूरी ज़्यादा खराब ही रही थी पीजेंट्स की हालत. Murshid Quli Khan and the succeeding Nawabs gave equal opportunities for employment to Hindus and Muslims. तो ये चीज़ हमने देखी कि यहाँ के जो अब के टाइम के सारे रूलर्स थे, they were secular enough to provide equal opportunities for employment. हिंदू हो चाहे आप मुस्लिम हो, employment में there were equal opportunities for everyone. They filled the highest civil post and many of the military post with Bengalis, most of whom were Hindus. तो ज़्यादातर उन्होंने हिंदूज को, मतलब काफी बंगाली, हिंदूज, मुस्लिम सब थे. इन चूजिंग रेवेन्यू फार्मर्स, मुर्शिद कुली खान गेव प्रेफरेंस टू लोकल जमींदार्स एंड महाजन्स, जिनको हम मनी लेंडर्स भी कहते हैं, हु वर मेनली हिंदूज. ही दस लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यू लैंडेड अरिस्टोक्रेसी इन बंगाल. तो एक लैंडेड अरिस्टोक्रेसी, एक लैंड वाली एक नई क्लास उन्होंने बना दी थी. All the Nawabs recognized that expansion of trade benefited the people and the government and therefore gave encouragement to all merchants, Indian or foreign. तो trade का उनको पता था, इसलिए उन्होंने foreign traders हो, Indian traders हो, सबको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा support किया, बढ़ावा दिया. They provided for the safety of roads and rivers from thieves and robbers by establishing regular thanas and chowkees. They compelled the servants of the English East India Company to obey the laws of the land, and to pay some same custom duties as were paid by the other merchants. तो इस चीज़ पे अभी आप ध्यान रखो कि उस टाइम पे क्योंकि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज भी थी, या फिर बाकी ट्रेडिंग कंपनीज भी थी, जैसे पोर्चुगीज, डच थे, फ्रेंच थे, ये जो सारी ट्रेडिंग कंपनीज थी, ये लोग क्या करते थे, ये जो लॉज होते थे उनको ये मानते नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि पता नहीं दे हाँ उनको कुछ लगता था कि हमें तो ये देना ही नहीं पड़ेगा, वो अपने आप में ही वो थे, ऐसा उनको लगता था। और जो काफ़ी रूलर्स थे वो इनको कुछ कहते भी नहीं थे, बट जो बंगाल के रूलर्स थे उन्होंने स्पेसिफिकली इनको बोला था कि जो रूल्स बाकियों के ऊपर अप्लाई होते हैं वही सेम रूल्स आपके ऊपर अप्लाई होते हैं। और इसी की वजह से आगे चल के बैटल ऑफ पलासी हुआ था, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सो उन्होंने कंपेल किया उनको कि आपको सारे लॉज फॉलो करने पड़ेंगे, और जितनी भी कस्टम ड्यूटीज़ है, जो भी टैक्स वगैरह रेवेन्यू पे करने, जो टैक्स पे करने हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। अली वर्दी खान डिड नॉट परमिट द इंग्लिश एंड फ्रेंच टू फोर्टिफाई देयर फैक्ट्रीज, फोर्टिफिकेशन भी उन्होंने अलाउ नहीं करी थी। The Bengal Nawabs proved, however, to be short-sighted and negligent in one respect. They did not firmly put down the increasing tendency of the English East India Company after 1707 to use of military force or to threaten its use to get its demands accepted. तो एक चीज में वो लोग काफी पीछे रह गए, वो लोग ये नहीं समझ पाए कि ये जो ट्रेडिंग कंपनीज है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये आगे जाके इतना कुछ कर सकती है कि इतने आने वाले सालों तक ये लोग रूल करेंगे। वो लोग ये समझते थे कि ये खाली ट्रेडिंग कंपनीज हैं, ये कस्टम ड्यूटीज वगैरह बचा के अपना एक प्रॉफिटेबल ट्रेड करना चाहती हैं। वो ये नहीं समझ पाए कि ये ट्रेडिंग कंपनीज का जो प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा और है, तो इस चीज़ में शॉर्ट साइटेड रह गए बंगाल के जो नवाब्स थे। They failed to see that the English company was no mere company of traders, but was the representative of the most aggressive and expansionist colonialism of those times. ये चीज़ वो लोग नहीं देख पाए। The Nawabs of Bengal neglected to build a strong army and paid a higher price for it later. एक strong army भी उन्होंने नहीं बनाई। And when in 1756 to 57 the English East India Company declared war on Siraj-ud-Daula, the successor of Ali Wardi, in the absence of a strong army, contributed much to the victory of the foreigner. The Bengali Nawabs also failed to check the growing corruption among their officials. So corruption को भी वो लोग control नहीं कर पाए। Even judicial officials, the qazis and muftis were given to taking bribes. The foreign companies took full advantage of this weakness to undermine official rules and regulations and policies. तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा prevalent थी। जहाँ एक टाइम पे काफ़ी पीस मेंटेन किया गया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, एट द सेम टाइम ये जो नवाब्स थे वो काफ़ी शॉर्ट साइटेड भी थे, जो ट्रेडिंग कंपनीज की जो चाल थी उसको ये लोग समझ नहीं पाए थे। सो दिस वाज अबाउट बंगाल। Next is Awadh. The founder of the autonomous kingdom of Awadh was Saadat Khan Burhanul Mulk, who was appointed governor of Awadh in 1722. He was an extremely bold, energetic, iron-willed, and intelligent person. He succeeded in suppressing lawlessness and disciplining the big zamindars and thus increasing financial resources of his government. Same thing, काफ़ी ज़्यादा law and order maintain किया और financial resources जो थे, जो financial weakness थी उसको इन्होंने ठीक करने की कोशिश करी। Saadat Khan also carried out a fresh revenue settlement in 1723. He is said to have improved the lot of the peasants by levying equitable land revenue and by protecting him from the oppression by big zamindars. तो इस तरफ भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे steps उठाए। Like other Bengali Nawabs, he too did not discriminate between Hindus and Muslims. तो ये जो सारी चीज़ें ये सेम ही है सबके केस में। Before his death in 1739, he had become virtually independent and had made the province a hereditary possession. He was succeeded by his nephew Safdar Jung, who was simultaneously appointed the Wazir of the Empire in 1748 and granted in addition the province of Allahabad. So he was succeeded by his nephew Safdar Jung. Safdar Jung too organized an equitable system of justice. He too adopted a policy of impartiality in the employment of Hindus and Muslims. So ये भी काफी ज़्यादा secular थे. The prolonged period of peace and economic prosperity of the nobles under the government of the Nawabs resulted in the growth of distinct Lucknow culture around the Awadh court. तो क्योंकि काफी ज्यादा इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी थी तो काफी ज्यादा कल्चर ग्रो हुआ अराउंड लखनऊ जो सिटी थी वहाँ पे काफी ज्यादा एक कल्चर जो था एक डिस्टिंक्ट कल्चर एक अलग सा कल्चर वहाँ पे ग्रो हो गया. लखनऊ ऑल्सो डिवेलप्ड एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स. तो अगर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगी तो ऑब्वियसली काफ़ी लोग जो है एक तरह से खुशहाली आ गई और जो हैंडीक्राफ्ट थे आज भी हमें पता है लखनऊ इज़ फेमस फॉर मेनी थिंग्स. तो उस टाइम पे ये लखनऊ जो था एक हैंडीक्राफ्ट्स के लिए एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश हो गया था.